Hey morning. So time right now is 3:53 PM. Office से मैं अभी आ चुका हूँ. अभी आई विल जस्ट गो एड एंड हैव द लंच. एंड मेरे को अभी मैं चला के आ रहा था. एंड एज यूजुअल मैं आज भी स्पोर्ट्स पर मैं ऑफिस से घर आया. एंड तेल तो जो रेट में नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी तेल को नहीं देखने का, अभी टोटल स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी का टोटल मजा उठाने का. तो अभी ये वाला चीज़ मेरे को आपसे डिस्कस करना था कि बहुत लोगों का लाइक सिमिलरली आई हैड द सेम फीलिंग. मतलब हम लोग जब छोटे रहते हैं या फिर व्हेन एडल्ट्स वॉट एवर इट इज़, अपना सबका एक मतलब एक ड्रीम कार से रहता है, एक स्पोर्ट्स कार. मतलब एक स्पोर्ट्स कार का फीलिंग, स्पोर्ट्स कार में बैठना, स्पोर्ट्स कार एक बार चलाना, स्पोर्ट्स कार को ओन करना, स्पोर्ट्स कार एक्सपीरियंस लेना. बाकी स्पोर्ट्स कार का मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ, तो आपको एटलीस्ट लाइफ में आगे जाके आप पैसा नहीं वेस्ट करोगे स्पोर्ट्स कार में. द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज स्पोर्ट्स कार आर गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. बहुत आपका पैसा खर्चा हो जाएगा एंड आपको आप फुल उसका पावर यूज नहीं कर पाओगे. मे बी मतलब मैं आपको छोटा वाला एग्जांपल देता हूँ. आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस Z4 सिंस लाइक 2 ईयर्स एंड मैं आज तक इसको फुल पोटेंशियल मतलब फुल पावर में मे बी आज तक मैंने इसको चला नहीं, क्योंकि जब भी मैं चलेंगे ट्राई करता हूँ रोड खत्म हो जाता है. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आप बहुत पैसा खर्च करोगे एंड आप फुल पावर उसका यूसेज नहीं कर पाओगे. सेकेंड इज माइलेज. स्पोर्ट्स कार का माइलेज बहुत ही कम रहता है. आप पैसा दे दे के तेल भर भर के रोड पे आ जाओगे. देन थर्ड इज थोड़ा टेक्निकल है. स्पोर्ट्स कार्स में ये जो स्टीयरिंग रहता है, आप अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो या कंफर्ट मोड को छोड़ के अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो, स्टीयरिंग आपको बहुत ज्यादा टाइट लगे. आपको लगे अरे मेरा तो ऑल्टो में तो मेरा तो स्विफ्ट में पूरा खतरनाक ही घूमता है, ये क्यों ऐसा टाइट होकर रहता है, मेरे को मतलब मजा नहीं आ रहा है, बहुत टाइट क्यों रहता है. स्पोर्ट्स कार में नॉर्मली स्टीयरिंग टाइट ही रहता है एंड स्पोर्ट्स मोड में तो पूरा ही वो टाइट होता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स मोड अगर जब स्पीड में चलाते हो, अगर थोड़ा भी आप नॉर्मल लोगों का रहता है ना चलाते हैं जब ऐसे टिन 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 हिलाते रहते हैं, तो वैसे वो हिलेगा नहीं. अगर आप ऐसे हिलाओगे जब आप स्पीड में जाते रहोगे, गाड़ी इधर से उड़ के जाकर उधर निकलेगा. सो इसीलिए माना तो मेन रीजन वाई स्पोर्ट्स कार स्टीयरिंग्स आर वेरी मतलब रिजिड, मतलब वो पूरा स्टिफ होके रहता है. सो मे भी बहुत लोगों को ये मालूम रहता है कि उनको लगता है कि जब फर्स्ट बार चलाते हैं स्पोर्ट्स, मेरे को भी वैसे लगा था कि ये इतना टाइट क्यों. उसके बाद मैं थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि स्पोर्ट्स कार में स्टीयरिंग थोड़ा टाइट रहता है, स्टिफ रहता है. सेकंड इज सस्पेंशन. सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार में बहुत ज्यादा स्टिफ रहता है. डोंट एक्सपेक्ट द सस्पेंशन ऑफ अ मर्सिडीज एस क्लास और ऑडी A4 इन द स्पोर्ट्स कार. स्पोर्ट्स कार का सस्पेंशन बहुत ही स्टिफ रहता है, क्योंकि अगर वो मतलब वो नॉर्मल दे देते मतलब पूरा स्पॉन्ज टाइप का या फिर बहुत सारा लग्जरी टाइप का दे देता, तो फिर वो स्पोर्ट्स कार में आपको फील नहीं आएगा. स्पोर्ट्स कार में वो तो मतलब एयर को वो चीर के जो एरोडायनामिक्स रहता है, एरोडायनामिक्स आर गोइंग टू गेट हैम्पर्ड इफ यू आर देयर गोइंग टू गिव यू मतलब प्रॉपर वाला सस्पेंशन. स्पोर्ट्स कार में नॉर्मली सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्टिफ रहता है. थर्ड कंफर्ट नहीं रहती स्पोर्ट्स कार में. कंफर्ट डोंट इवन एक्सपेक्ट कंफर्ट. ये कार अगर आप मतलब थोड़ा भी स्पीड में हो या स्लो भी हो, अगर आप मतलब हम्स हो गया या फिर नॉर्मल वाला रोड में भी ये पूरा हिलता रहेगा, क्योंकि आप लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं करते. व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग व्हेन यू आर पेइंग फॉर अ स्पोर्ट्स कार इज experience, driving experience, fast thrill, acceleration, that is what you are getting. You are not going to get luxury and comfort of course in a sports car. हाँ रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब बुलक कट के जैसा हिलता रहता है, ऐसा नहीं है. कंफर्ट एंड लग्जरी रहता है, बाकी डोंट एक्सपेक्ट द लग्जरी ऑफ ए ऑडी A4, मर्सिडीज एस क्लास, मर्सिडीज ई क्लास, BMW 5 सीरीज, वैसे तरह का आप लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. इवन इफ यू आर पेइंग 3 crores फॉर ए लैम्बोर्गिनी, इट्स नेवर एवर मतलब वो उतना ज्यादा कभी भी मतलब स्मूथ रहता ही नहीं है. आई हैड ड्रिवन द लैम्बोर्गिनी हुरकैन EVO इन दिल्ली फॉर लाइक 7 या 10 kilometers एंड आई हैड ऑलरेडी फेल्ट दैट कि वही मतलब इंडियन रोड्स पे तो पूरा वो गाड़ी मतलब हर सेकंड कड़कड़ ऐसे हिलता ही रहता है. सो ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑल्सो it's not going to be very smooth. The only thing what you are going to enjoy in a sports car is the driving experience and the thrill. Wo jo bhagti hai, jab bhagti hai, wo jo feel, oh ho ho, my god, lovely.